आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोल्ड ड्रॉ के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, तो आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा इस तरह का इफ़ेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह के इफ़ेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चलिए चेक करते हैं जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत है नहीं, चलो बनाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको बाहर लेकर आ जाता हूँ और इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और एक ब्लैक कलर का पेज ले लेता हूँ कुछ भी। उसके बाद मैं इसको मैं यहाँ से यहाँ लेकर आ जाता हूँ। फ़ोटो आप नेट से ले सकते हो, म्यूजिकल नाम से आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फ़ोटो के और इफ़ेक्ट के मैं फ़ोटो दे दूँगा आपको। सबसे पहले इस तरह के इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे नेट पे, पेंट इफ़ेक्ट लिखोगे तो आ जाएगा। तो इसको क्या करना है आपको, एक बार मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ राइट क्लिक करके, और राइट क्लिक करके ऑनलाइन आउटलाइन ट्रेस में जाकर लाइन आर्ट पे क्लिक करना है और ओके कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख कर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका ये पोर्शन बाहर निकाल लेता हूँ। कंट्रोल यू करके अनग्रुप कर लेंगे और ऊपर वाला पोर्शन मैं लूँगा, नीचे वाले को हटा दूँगा और इस पोर्शन को यहाँ पर सेट कर लूँगा। ठीक है, ये कैसे किया आपको पता चला होगा। तो ये कैसे करेंगे, बस सिंपल है, बड़ा कर लेते हैं इसको और यहाँ से मैं इसको सेटलमेंट कर लूँगा। जैसे यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेट कर लेंगे, ये इतना सेट कर लिया। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आपको पता है ट्रिम बटन दबाते ही ये सेट हो जाएगा और इसको आप अलग करके रख सकते हैं, अलग करके डिलीट कर लो। ये अपना पहला से पहला डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ठीक है, कितनी आसानी से आपने बना लिया है ये इस तरह से। ठीक है, चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा बनाने के लिए मैं यहाँ से एक और बॉक्स ले लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके साथ में मैंने कुछ और भी करना था, वो मैंने किया नहीं, सॉरी। तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं और राइट क्लिक करके ऑनलाइन आउटलाइन ट्रेस में जाकर इसको क्लिक करके ओके कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके करते ही ये चीज़ अपने बाहर आ जाएगी और इसमें कलर इस टाइप के देना है, येलो टाइप का, तो मैं येलो टाइप का कलर दे देता हूँ इस तरह से, और ओके कर लिया। बड़ा करना हो बड़ा कर लो, और ये पीछे की साइड में डालने के लिए इसको शिफ्ट के साथ पे जब ऊपर कर लो इस तरह से, और इसको छोटा बड़ा करके सेटलमेंट कर लो इस तरह से। उसके बाद में एक और इफ़ेक्ट है अपने पास में, कौन सा है देख लेते हैं, ये वाला इफ़ेक्ट। इसको भी आपको ऐसे ही करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, आउटलाइन ट्रेस पर क्लिक करके ओके करना होगा। ओके करते ही आपका ये इफ़ेक्ट तैयार है, इसमें भी ऐसे ही कलर डाल दीजिए। तो इस तरह से इफ़ेक्ट को सेट करके यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करके सेट कर लेना है, और जो इफ़ेक्ट है पीछे वाला उसको ऊपर लेकर आ जाना है, आपका इफ़ेक्ट तैयार है। और उसके बाद मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके मैं इसको पावर क्लिप कर लूँगा। तो ये सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिप ऑप्शन आएगा, पावर क्लिप में इसके अंदर डाल देंगे तो ये इस तरह से अपना इफ़ेक्ट तैयार होकर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वाली इमेज को लेते हैं। इमेज को लेने के बाद मैं थोड़ा सा मैं इसको नीचे से क्रॉप कर लूँगा, क्रॉप पे क्लिक किया और यहाँ से ऊपर से लगा कर नीचे तक, यहाँ तक मैं क्रॉप कर लूँगा और एंटर बटन दबाऊँगा तो पीछे नीचे वाला हिस्सा कट हो जाएगा। फिर इस तरह से उसको छोटा बड़ा करेंगे और उसके बाद में वही ऑप्शन लेंगे जो आपने इसमें लिया था, वापस से देख लो। राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और राइट क्लिक करके आउटलाइन ट्रेस लाइन आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ मिल जाएगी। ये मैं वाइट वाला पोर्शन लिया है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको मैं कंट्रोल यू करके अनग्रुप करके इसको नीचे वाले भाग को हटा कर यहाँ से सेट कर लूँगा इस तरह से, ये छोटा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट करने के बाद में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, कम ज़्यादा भी आप छोटा बड़ा करके इसको सेट कर सकते हैं। चलो, ये इतना सेट करने के बाद में क्या करना है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और ट्रिम कर लेना है, नीचे वाले भाग की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर लो और इसको एडजस्टमेंट इस तरह से कर लेना है।
उसके बाद में बस आपको इसके पीछे ये जो बनाया था इफ़ेक्ट वो डालना है। इसी में से आप कॉपी करना चाहो तो इसी को सिलेक्ट कर लो। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स करके कॉपी करके पीछे पेस्ट कर लेता हूँ मैं इस पर। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको छोटा बड़ा करके सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, कलर इसमें ग्रीन टाइप कलर देना है तो पिक टूल लेकर यहाँ से कोई भी कलर ले लूँ। हरा कलर ले लिया मैंने और इसको मैं इसके अंदर पीछे की साइड में लगा दूँगा। ऊपर लाने के लिए शिफ्ट के साथ पेचअप करेंगे, लग जाएगा। इसी प्रकार ये पीछे वाला हिस्सा है उसको भी लाना है तो यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ लाकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से लाकर यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, घुमाना वगैरह हो तो इस तरह से सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ ये इस तरह से, और पीछे ले जाने के लिए इन दोनों को मैं पीछे लेकर जाता हूँ ये। तो अपना ये भी इफ़ेक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, कितना शानदार बना। चलिए तो ये बना दिया अपने। अगला ऑप्शन अपन देखते हैं, अगला है इस तरह से इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो मैं सीधा डायरेक्टली एक सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बनाने के बाद मैं इसको राउंडेड करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और इसका जो सर्कल पॉइंट है इसको पॉइंट को यहाँ रखना है और कंट्रोल के साथ में एक दो बार आपको इसको चलाना है, फिर कंट्रोल आर बटन दबाकर इसका रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करते ही आपको इस तरह से डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। इसको छोटा बड़ा करके मैं तो सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद मैं इसमें स्मार्ट फिल टूल से अपन को एक शेप निकालना है बाहर, तो स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने शेप ले लिया। और इसमें जो लास्ट वाला इफेक्ट है, लास्ट वाला जो डिज़ाइन है, ऑब्जेक्ट है, इसमें जी प्रेस करके कलर डालना है। जी प्रेस करके और इसके अंदर कोई भी कलर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर कलर ले लिया, ऑरेंज कलर ले लिया। ठीक है, अब ये वाला ये जो कलर है सब में डालने के लिए मैं इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक। दोबारा देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो ये सब में आ जाएगा। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाकर बाहर ले लेंगे कॉपी और इसकी ग्रुप करके इसकी बॉर्डर हटा देंगे। ये मैंने ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से, इस पर एक बार क्लिक करो, यहाँ नीचे लेकर आ जाओ यहाँ पर और कंट्रोल के साथ में इसको वापस से रिपीट करो और कंट्रोल आर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपनी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।